Ibrahim. Elango, first of all, let me thank you for the help you've given us in doing something which was much needed for a government which is committed to alleviate poverty. Because this is a first step. If you know where the poverty exists and what type of poverty exists, then you start finding out ways and means to fight poverty. So thank you very much for helping us. Khawateen Hazrat, main aaj sani aapka aur aapki team ka shukriya ada karta hoon aur aapko khiraj tehseen isliye pesh karta hoon ki ye bahut bada ek aapne kadam uthaya hai jo hamara mission statement hai ki humne Pakistan mein ghurbat ka muqabla karna hai. Mera ye imaan hai ki koi bhi mulk जिधर एक गरीबों का समंदर हो और थोड़े से अमीर तरीन लोग हों, वो कभी भी दुनिया की तारीख में तरक्की नहीं कर सकता. तरक्की का मतलब ये होता है, और एक सिविलाइज्ड माशरा वो होता है जिसकी पहचान उसके अमीर लोगों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके गरीब तरीन लोग कैसे रहते हैं उससे होती है. और हमारी बदकिस्मती, और ये जो आपने अभी मैप दिखाया पाकिस्तान का पॉवर्टी मैप, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स थे कि किस टाइप की पॉवर्टी है, स्टंटिंग है, किधर तालीम नहीं है, पानी नहीं है साफ पीने का वगैरह वगैरह, तो ये जो आपने दिखाया ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स पैसा खर्च करती हैं, वो पैसा जो खर्च करती हैं उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता कि मुल्क में गुर्बत किधर है, उसकी कोई कॉरिलेशन ही नहीं है. मैं अगर ताकतवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं एक वज़ीर हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, मैं अगर वज़ीर आला हूँ, तो मैं सारा पैसा अपने हलके में खींच लूँगा. वो डेवलपमेंट फंड बजाय एक नीड बेस हो कि ज़रूरत किधर है इस पैसे की, ज़्यादा किधर ज़रूरत है, वो उधर चली जाती है जिधर ताकतवर बैठा हुआ होता है. उससे क्या हो रहा है कि और ज़्यादा गरीब और अमीर में फासले बढ़ते जा रहे हैं. अब ये देखें कि सारे पंजाब का डेवलपमेंट जो बजट था, 60% पाकिस्तान है पंजाब, उसका 55% जो डेवलपमेंट फंड था वो लाहौर पे खर्च हो रहा था, और लाहौर बेहतर होता जा रहा था लेकिन उसके इर्द गिर्द जो शहर थे वो कैनिबलाइज होते जा रहे थे, पीछे जा रहे थे. गरीब इलाके पीछे जा रहे थे, अमीर इलाके और थोड़े से अमीर इलाके तरक्की कर रहे थे. ये जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है ये बड़ी नुकसानदेह है मुल्क के लिए. एक तो सारा आबादी उधर चली जाती है जिधर डेवलपमेंट है नौकरियां लेने के लिए, वो वैसी वहाँ फैसिलिटीज़ कोप नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा आबादी आ जाती है उनको वैसे ध्यान नहीं रख सकते, और जो बाकी जगह है वो पीछे चली जानी शुरू हो जाती है. फैसिलिटीज़ भी, हेल्थ फैसिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट, वो सारी थोड़े से इलाके में चली जाती है. ये जो आपने आज डेटा फॉर पाकिस्तान ये जो किया है, ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें, हम बार बार लोगों को बताएंगे कि किधर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसा खर्च करने की, और क्यों पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, तालीम का क्या वहाँ हाल है, हमारी बच्चियों की तालीम का क्या हाल है, क्यों नहीं पढ़ रही बच्चियाँ. ये भी पता चलेगा अगर अगर हमारी लड़कियों की तालीम पीछे रह गई है तो फिर कोई इन्वेस्टिगेट करेगा क्यों वो पीछे रह गई है. और मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा जब मैं MLA बना तो मेरा जो हल्का है वो मियांवाली का था. मियांवाली की जो ईसा खेल की तहसील थी, वहाँ ना हमें कोई मिले टीचर मिले, ना वहाँ हमें कोई लेडी डॉक्टर मिले. और क्यों नहीं मिले, पता चला कि जो लड़कियों के स्कूल थे वो टीचर्स ही नहीं थे, और क्योंकि लड़कियों के स्कूल में टीचर्स नहीं थे, ना वो कोई टीचर्स डेवलप हो रही थी, ना हमें कोई लेडी डॉक्टर्स, ना कोई नर्सेज मिलती थी. और साथ वाला जो ज़िला था जो पख्तूनख्वा के अंदर करक, वहाँ लड़कियों के स्कूल ठीक थे, वहाँ टीचर्स भी थी, लेकिन क्योंकि किसी को समझ ही नहीं थी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं किसी ने ये नहीं सोचा कि हम वो एक कानून ले आए. कानून ये था कि सिर्फ पंजाब की टीचर्स पंजाब में काम करेंगे, लेकिन ये जो ईसा खेल में क्योंकि टीचर्स नहीं जाती थी,
वो हार्डशिप एरिया था, वहाँ कोई टीचर्स ही नहीं थी। और अगर पॉलिसी मेकर्स को इस चीज़ का पता चलता तो उन्होंने सिर्फ एक कानून करना था कि आप साथ वाले ज़िले करक से आप टीचर्स ले लें और वहाँ टीचर्स पूरी हो जानी थी। तो क्योंकि इस तरह का कोई डेटा नहीं, किसी को पता नहीं है, ये जो स्टंटिंग का आपने डेटा अभी दिखाया पंजाब का, अब वहाँ डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट थी उसमें सबसे ज़्यादा स्टंटिंग है। तो जो अभी मैं अभी हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं वो एक बड़े गरीब तरीन इलाके से आते हैं, तो उन्होंने जब पैसा खर्च करना शुरू किया वहाँ तो शोर मचा दिया जी लोगों ने डीजी खान में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो जब आप यहाँ डेटा देखेंगे तो डीजी खान में ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए, वो पीछे रह गया है। वहाँ गुर्बत सबसे ज़्यादा है, वहाँ साफ पीने का पानी नहीं है। तो इसका मुझे जो फ़ायदा नज़र आ रहा है आगे वो ये कि इंशाल्लाह ये जो हमारी जहाद है गुर्बत के ख़िलाफ़, और ये है ही जहाद, ये अल्लाह का काम है, जो भी अल्लाह का काम है उसको जहाद कहते हैं, हम हर चीज़ को जहाद भी बना देते हैं, ये है असल जहाद। और इसके अंदर ये जो आपने आज इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ इसकी बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान में। पता तो चले हमें कि किस इलाके में किस किस्म की गुर्बत है, क्यों गुर्बत है। फिर आप जब आप एक बीमारी, और गुर्बत बीमारी है कौम के लिए, जब एक बीमारी को डायग्नोज करेंगे कि किस वजह से बीमारी है, तभी आप उसका हल निकालेंगे। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में वो कदम उठाया जा रहा है, तो मैं इसलिए आपको मुबारक देता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। मैं वर्ल्ड बैंक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी मदद की इसमें। और ये जो आगे डेटा की अहमियत दुनिया में बनती जा रही है, और ये जिस तरह दुनिया आगे प्रोग्रेस कर रही है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक और ही तरफ एक और इनकलाब आने वाला है, ये इसकी बहुत अहमियत होगी हमारे फैसलों में। जिस तरह मैंने कहा कि फैसला ये होता है कि अच्छा जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कंस्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स में मेरे हल्के में सारा पैसा चला जाए, बाकी अगर कोई ऑपोजिशन में जो बैठे हुए हैं उनके वहाँ कम पैसा जाता है। इससे होगा क्या कि ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है, ये अब हम ख़ास तौर पे जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं पख्तूनख्वा में और पंजाब में, उधर तो हम इन्फोर्स करेंगे ये कि जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है वो पहले ये इंडिकेटर्स देखें गुर्बत कितनी है, उसके मुताबिक वो ड्रॉ आउट हो। ये ना हो कि ताकतवर कौन है जिसकी ज़्यादा क्लाउट हो, जो ज़्यादा शोर मचा सके, उधर ज़्यादा पैसा चला जाए। पैसा जाना चाहिए नीड बेस्ड, ज़रूरत किस चीज़ की है, किन इलाकों को ज़रूरत है। और इंशाल्लाह इससे फिर जो फैसले करेंगे, अब जो बजट्स बनेंगे प्रोविंशियल बजट्स बनेंगे, जो भी हम भी, खैर हम फेडरल गवर्नमेंट में तो सिर्फ इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के भी एरियाज़ देखेंगे कि कौन से पीछे रह गए हैं, ये जो बजट्स बनेंगे मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन, पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैं दो सूबों में तो प्लेज कर सकता हूँ कि वहाँ अब बजट ये नहीं बनेंगे कि कौन सा ताकतवर है, किसका क्लाउड ज़्यादा है और वो पैसे खींच जाए ज़िला, वो ज़िले में जाएगा और ज़िले के अंदर भी वो तहसील बल्कि यूनियन काउंसिल्स तक नीचे तक जाना चाहिए जिधर सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मुल्क तो तब तरक्की करेगा जब हम अपने कमज़ोर और निचले तबके को ऊपर लेके आएंगे। फिर से मैं आप सबको मुबारक देता हूँ, शुक्रिया।